एकदम नेचुरल हो गए जी ऑर्डर दे रही थी बोलो अपने दिल से जो आवाज निकालो वो सही जाएगा। दिल से आवाज निकलता ही नहीं, मुंह से निकलेगा। मॉर्निंग आप सभी को और स्वागत हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग हैं नागालैंड के कोहिमा सिटी से थोड़ा सा आगे हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो हम लोग 3 दिन से यहीं पर आ रहे हैं और आए थे पानी भरने। यहाँ से पानी निकल रहा है पाइप से और योगेश भाई भी पानी लिया है और इस पहाड़ से निकल रहा है भाई। यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि हम लोग इंडिया में हैं, जैसे लग रहा है हम लोग कोई फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश गाने चल रहे हैं और बढ़िया दारू पी रहे हैं और बढ़िया डांस कर रहे हैं डीजे पे। तो यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, 50 रुपये का टिकट है, लेकिन सुबह सुबह तो फ्री में जा सकते हैं। हम लोग तो लिए हैं उसी दिन का, मगर जितना बार वो लोग रहेंगे, जितना बार अप डाउन करेंगे, उतना बार टिकट देना पड़ेगा। इसलिए हम सुबह एक बार निकलते हैं, पानी वगैरह भर के फिर ऊपर चले जाते हैं। फिर दिन भर 5 से 6 लीटर पानी में खाना भी बनाते हैं, पीते भी हैं, उसी में सर्वाइव करते हैं। सब चीज़ बहुत महंगा है यहाँ पे। ऊपर चढ़ते ही ये रोड है, तो यहाँ पे मेन स्टेज है और ये है सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम का गेट। यहाँ पे हम लोग अपना टेंट लगाए हैं, ये म्यूजियम है, यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हैं इसके जस्ट पीछे। तो हमारे टेंट के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, बहुत ही हाइट पे हैं हम लोग। और योगेश भाई तो बना रहे चाय। बन भी गया, निकाल दे भाई। चाय गाइस, चाय पियो चाय। हेलो गाइस, चाय पी लो। बिस्किट खत्म कर लिए रात को ही? सब खत्म। और नहीं तो क्या, भूख लगा था? एक भी बिस्किट नहीं, एक भी नहीं है। रात को मेरा भूख लगा था, मैं क्या करूं। तो रात को मैं पूरा बिस्किट खा चुका हूं। चाय पीते हैं भाई। तो गाइस अभय भाई और विक्रम भाई दोनों जा चुके हैं और एक टेंट हट चुका है भाई लोगों का। और योगेश भाई मैगी बनाया था, तो अभी मैगी एंजॉय कर रहे हैं। और भाई नज़ारा देखो कितना मस्त हो रखा है। ओहो, अभी 1 hour later गाइस अभी बन चुका है मैगी, इसमें अंडे वाली मैगी है और बनाए हमारे फेमस शेफ। और हमारे यहाँ पे एक और आ गए हमारे बिरादर अनुज भैया। तो दो यादव एक साथ अब तो मैगी खाते हैं और शाम को म्यूजिक फेस्टिवल में धमाल मचाने के लिए थोड़ा एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जाएंगे म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे और वहाँ पे धमाल मचाएंगे। कल तो मज़ा आ गया, वीडियो नहीं शूट कर पाए, मोबाइल चार्ज नहीं था, लेकिन आज तो मचाएंगे और शूट भी करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो अभी शाम के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग वापस से आ गए हैं मेन स्टेज के सामने। और यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए लोग जा रहे हैं, यहाँ के ड्राइवर लोग हैं, यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं लोग। और ये चल रहा है, आज का फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये है लास्ट ड्राइव, जो कि मतलब आफ्टरनून का जो सेशन था वो, उसके बाद ये लास्ट ड्राइव है। ये पानी ढूंढने जाते हैं जंगल में कैसे, वो दिखाया जा रहा है। जो कल्चरल सॉन्ग है इन लोगों का, वो गाते गाते पानी खोजते हैं जंगल में। और ऐसे वे बम्बू का है, उसमें पानी स्टोर करते हैं। This is a demonstration of how the women folk in the villages walk miles into the jungle in search of water, and they bring back to the village and store them. Ladies and gentlemen, the Kandy Range Cultural Troupe is presenting
the Rengma tribe of Nami. तो गाइस अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और इतना बढ़िया माहौल बना था कुछ टाइम पहले. हबीबी कम टू नागालैंड. कैसा लग रहा है भाई? गजब. हबीबी कम टू नागालैंड. ऐसे आप बने रहिए, अभी रात को म्यूजिक फेस्टिवल बाकी है तो उसमें भी मिलाएंगे आप सभी को. और ये हॉर्नबेल फेस्टिवल में सबसे ज्यादा हाथ टोयोटा का है. तो अरे यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपनी इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना जो परफॉर्म कर रही है अपने. यहाँ पे हॉर्नबेल नागा विलेज का गेट बनाया गया है और पूरा विलेज के स्टाइल में सब चीज यहाँ पे दुकानें वगैरह सब है. और भाई कितना बढ़िया लोकेशन पे ये हॉर्नबेल एंजॉय किया जा रहा है. और यहाँ पे अपनी इंडियन नेवी है. तो गाइस ऊपर लगा है हॉर्नबेल हेरिटेज विलेज का लोगो जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है रात को जब लाइट उसमें पड़ता है. तो तो कल वहीं पे बम्बू रेस हुआ था और ये सब दुकानें हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं. तो यार यहाँ पे जैसे जैसे शाम होते जा रहा है इतना बढ़िया माहौल होते जा रहा है ना, लोग इतना बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉर्नबेल फेस्टिवल. पहले दिन उतना अच्छा से सेलिब्रेट नहीं हुआ होगा क्योंकि सब यूट्यूबर आए थे कॉन्टेंट लेने और बस ऊपर से ही देख के चले गए. तो हम जिस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं ना वैसे नहीं कर पाए लोग. नाच ले भाई. ऐसे ऐसे एंजॉय करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं. अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे तो बस बने रहिए आप लोग. यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, जो चाय का प्राइस है एक अंडा 20 रुपए का है. भाई सामान तो महंगा है लेकिन क्या करें, ऊपर आ गए तो खाना ही पड़ेगा. और ये क्या क्या मिल रहा है? 250. ये झींगा है और ये बाम्बू का है शायद. तो ये है ब्लैक टी, ब्लैक टी पीते हैं. यहाँ पे हमारे अरिजीत सिंह चाय पी रहे हैं और इस बाम्बू के गिलास में पी रहे हैं. ये बाम्बू का गिलास पता है हमारे यहाँ क्या करते हैं? इसे अभी आप पी लीजिए, पता क्या है? कहते हैं इससे हम लोग भैंस को दवा पिलाते हैं. सेम ऐसा ही होता है. आपकी जब मैं आपको देख रहा हूँ. अच्छा, क्या नाम है आपका? अजीत यादव. मैं यूपी से हूँ और ऑल इंडिया साइकिल राइड कर रहे हैं. दोनों कर रहे हैं. बढ़िया यार, कमाल की बात है.
और आपका 9 अगस्त को पड़ता है, मेरा 8 अगस्त। अरे मेरे भाई, मेरा एक भाई है उसका 8 अगस्त को पड़ता है। हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, लग नहीं रहा था कि आपसे मिल पाएंगे। आपको वो दिन हम याद है कि हम रोज यहीं घूम रहा होता यार। और आपने वो डाले थे ना स्टेटस के जाने के लिए, नहीं मिला फिर मैं। अच्छा हुआ हमारा तो बाकी गए थे। फंदेन आई लव यू, आई लव यू, ये भाई सौरभ भैया के फ्रेंड रौनक भैया, नाम भी तो सेम है, सौरभ भैया फ्रेंड रौनक भैया। तो इन्हें भी यूपी इनवाइट किए हैं, आइए अयोध्या और घुमाते हैं आपको। आप जैसा आप बोलो, अपने दिल से जो आवाज निकालो वो सही जाएगा। दिल से आवाज निकलता ही नहीं, मुंह से निकलेगा। तो अजीत अजीत यादव भाई हमारे पिछले 2 महीने से लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं और इनका प्लान है अगले 3 साल कंटिन्यूअसली साइकिलिंग करने का, ऑल इंडिया टूर कवर करने का। तो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत मुबारक हो अपने आप मिशन में, जो भी आपका ड्रीम पूरा हो जाए, ऑल द बेस्ट। मेरे को एक बात बोलना है, आई लव नागालैंड, आई लव हॉर्नबिल, आई लव यू गाइस। भाई हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे माहौल बन जा रहा है। अभी इसी रेस्टोरेंट में आए हैं तो यहाँ भी माहौल बना रहे हैं। ये है यहाँ पे सभी हैं मिस नागालैंड। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम नेचुरल लग रहा है। जो ऑर्डर जरूरी थी। ओ पाजी भाई आएंगे आएंगे, चंगा चंगा चार पांच लोग जल्दी लेट अरे एकदम मस्त। Just can't shoot you.